जब भगवान के महान वैष्णव अपने जीवन में अनेक प्रकारों के कष्ट को झेलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके पीछे एक दिव्य प्लान है भगवान का, एक डिवाइन प्लान रहता है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि महात्मानस तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता। तो जो महात्मा होते हैं, महात्मा यानी भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो तीन गुणों के अंदर नहीं होते हैं। हम तीन गुणों के अंदर हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुणों के आपस में इंटरैक्शन के कारण हमारे लिए हैप्पी या सैड सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। लेकिन महात्मा जो होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो तो तीन गुणों के बियॉन्ड हैं। तो उनके जीवन में सुख या दुख कैसे आ सकते हैं? क्योंकि सुख और दुख किसके नतीजे हैं? जो तीन गुण होते हैं उनके आपस में इंटरैक्शंस के कारण सुख और दुख आते हैं। लेकिन फिर भी हम जब देखते हैं कि महात्माओं यानी भगवान के शुद्ध भक्तों के जीवन में जब दुख आता है, तो वो भगवान का अपने अंदरूनी जो इंटरनल पोटेंसी है, आंतरिक शक्ति, उसके थ्रू भगवान वो मैनिफेस्ट करते हैं, और उसके पीछे एक डिवाइन प्लान होता है। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जब शुद्ध भक्त उनके जीवन में कोई कठिनाई आ रही है और हमारे जीवन में कोई कठिनाई आ रही है, तो वो एक ही लेवल पर है। क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वसुदेव और देवकी, उन्होंने कितने दुख सहे, लेकिन ये दुख तीन गुणों के भीतर नहीं थे। हमने जैसे देखा था कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं, उसके ऊपर एक शुद्ध सत्व होता है। तो भगवान बताते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं वो शुद्ध सत्व में होते हैं, दैवीं प्रकृति माश्रिता, वो दैवी प्रकृति होती है। तो उनके दुख वास्तव में दुख नहीं होते, वो देखने में दुख लगते हैं। जैसे देवकी और वसुदेव, क्योंकि वो भगवान के महान वैष्णव है, उनके लिए दुख जैसे कोई चीज है ही नहीं। लेकिन फिर भी देखने में जो ये दुख लगता है वो तीन गुणों के भीतर नहीं है, वो तीन गुणों के बाहर, वो शुद्ध सत्व में होता है। और भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कभी तीन गुणों के भीतर वाला दुख दे भी नहीं सकते। हम जब कहते हैं कि एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता, तो जब एक पत्ता भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता, तो क्या उनके शुद्ध भक्तों पर इतनी आपदाएं आ सकती हैं क्या? वास्तव में नहीं आ सकती। वो हमारी भौतिक दृष्टि से लगता है कि इतनी सारी आपदाएं आ रही हैं, लेकिन वास्तव में कोई आपदा उनके ऊपर आती नहीं है। और वो जो दिखता है उसके पीछे भगवान का एक डिवाइन प्लान होता है। जैसे कि हम वसुदेव और देवकी के जीवन में देख सकते हैं कि भगवान का कितना डिवाइन प्लान था, कि उन्होंने पूरे जो मारीची के 6 पुत्रों की पूरी कहानी बैकग्राउंड में है, फिर आगे कैसे कैसे सारी चीजें, स्टोरी मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो सारी चीजें भगवान के एक प्लान के हिसाब से सारी चल रही हैं। तो इसलिए देवकी और वसुदेव भगवान के प्लान के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हमें एक ट्रांसेंडेंटल विजन चाहिए शुद्ध भक्तों के इस सिचुएशंस को देखने का। जैसे कि पांडव, उनके जीवन में भी देखा जाए तो कितने दुख आए, लेकिन वास्तव में वो कभी दुखी नहीं थे। युधिष्ठिर महाराज जब जंगल में थे, तो जब उन्हें भेज दिया गया था सारा उनका राज्य छीन करके, जो जुआ का खेल हुआ था उसमें चौसर में हरा करके उन लोगों को जंगल में भेज दिया गया था, तो युधिष्ठिर महाराज तो आराम से, मतलब एक अपना वो पत्तों का बिस्तर बना करके वहां पे लेटे हुए थे और पूरा खुश थे। भीमसेन को गुस्सा आ रहा था, बोल रहे थे कि अरे हमें भेज दिया गया जंगल में, हमें बदला लेना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोले थे, क्या दिक्कत है, राजमहल में इतना मैनेजमेंट रहता है, इतना राज्य संभालो, क्या यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं? जंगल में ऋषि मुनि हैं, साधु संन्यासी हैं, हमें उनका इतना संग मिल रहा है, इतना शुद्ध वातावरण है, क्या दिक्कत है, मैं तो पूरा जिंदगी ऐसे ही रह सकता हूँ। ये सुनकर के भीमसेन को और उसका गुस्सा बढ़ जाता था, बोला अरे क्या, हमें जंगल में भेज दिया गया और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से शुद्ध भक्तों का रहता है कि उनके लिए कभी कोई दुख रहता ही नहीं,
क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि जो भी ये दुख भी आ रहे हैं भगवान की तरफ से आ रहे हैं, और वो इन्हें पता होता है कि भगवान का शेल्टर है उनके ऊपर। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था एक बार कि बंगाल में बहुत बार देखा जाता है कि माता जब अपने पुत्र को मारती है तो पुत्र रोता है लेकिन माता से भागता नहीं है, माता कोई पकड़ के रोता है। उसी प्रकार शुद्ध भक्त भी है, उन्हें पता है कि अगर कुछ लग रहा है कि कुछ दुख भी आ भी रहे हैं तो उन्हें पता है कि अरे ये भगवान पूरी तरह से कंट्रोल में है और उनके कोई डिवाइन प्लान के कारण ये दुख आ रहे हैं, और इसलिए वो उससे भागते नहीं है, वो भगवान के प्लान के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं। तो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, आपको याद होगा, कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक मटेरियल साइंस है। वो किनके लिए पूरी तरह अप्लीकेबल है? जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, एस्ट्रोलॉजी। लेकिन जब कोई भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है। तो ये बैंगलोर में एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर है, एक बार पहले भी मैंने बताया था, वो भृगु संहिता, एक ही शास्त्र पढ़ता है भृगु संहिता, और वही शास्त्र पढ़ने के कारण उसके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि आप उसके सामने जाकर के सिर्फ बैठेंगे तो बैठ, और वो आपको कुछ बोलना भी नहीं है, बस आप उसके सामने जाकर के बैठे और वो आपको बता देगा कि आपके मन में क्या प्रश्न थे और उन प्रश्नों का उत्तर क्या है। इतनी शक्तियां हैं उसके पास। लेकिन जब इस्कॉन के डिवोटी वहां पर जाते हैं तो क्या जवाब देता है कि अगर आप अपने गुरु के आदेशों का अच्छे से पालन कर रहे हैं, अच्छे से पालन करने, कौन कह सकता है कि हम पूरे अच्छे से पालन कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपने गुरु के आदेशों का अच्छे से पालन करना, तो वो बताता है कि मैं जो भी आपको बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी को देख करके वो सही नहीं होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यही प्रिंसिपल है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। जो वैष्णव होते हैं उनका जीवन भगवान कंट्रोल करते हैं, वो दैवी प्रकृति में होते हैं, मटेरियल नेचर में नहीं होते हैं, वो शुद्ध सत्व में होते हैं। तो सिर्फ देवकी वसुदेव के लिए भी नहीं, एक ऑर्डिनरी डिवोटी का भी जो जीवन होता है वो भी भगवान कंट्रोल करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच ही सरेंडरिंग। अगर आप भगवान को 10% सरेंडर किए हैं अभी तक तो 10% भगवान कंट्रोल करते हैं, और अगर आप 50% किए हैं तो 50% कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर आप एक माला भी कर रहे हैं तो इतना समझ लीजिए पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी आपके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ, जितना आपका सरेंडर है उतना ही, लेकिन कुछ ना कुछ भगवान का इंटरफेरेंस तो जरूर है वहां पे। तो इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि देवकी और वसुदेव जो कि शुद्ध भक्त हैं तो उनके में तो 100% भगवान का इंटरफेरेंस है। उनके दुख प्रीवियस कर्म के कारण, तीन गुणों के कारण, उस कारण से उनके जीवन में नहीं आ रहे हैं। वो जो दुख है वो भगवान के द्वारा डायरेक्टली उनके प्लान के थ्रू, उनकी इंटरनल पोटेंसी के थ्रू मैनिफेस्ट किए गए हैं। और एक एंगल से हम देखें तो हमें दिखेगा कि ये दुख है ही नहीं, भौतिक दृष्टि से ये बस दुख दिखता है। तो देवकी वसुदेव ने बलराम और कृष्ण को जन्म दिया, और फिर उसे वसुदेव ले जा करके ब्रज में यशोदा मैया के यहाँ छोड़ करके फिर वापस आए, यहाँ तक की कथा हमने कल डिस्कस की थी। और वापस आने के बाद फिर सारे जेल के दरवाजे उसी तरह बंद हो गए और वसुदेव देवकी के हाथ में फिर से सारी हथकड़ियां वापस पहले जैसा एज इट इज लग गई। अब इसके बाद फिर बच्चे की रोने की आवाज, वो जो महामाया जो पुत्री थी जिसके वसुदेव लेकर के आए थे यशोदा मैया के घर से, उसके रोने की आवाज से फिर जितने जो जेल के पहरेदार थे और बाकी जो भी स्टाफ रहे होंगे वो सारे लोग वो आवाज सुन करके उठे, क्योंकि भगवान ने तो उन्हें सुला दिया था पहले। अब ये रोने की आवाज सुन करके सब उठे और उन्हें समझ में आया कि एक नए बच्चे का जन्म हुआ है, तो वो दौड़ते हुए कंस के पास गए और कंस को तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर ही रहा था
कि ये आठवां पुत्र जो है यही मेरा काल है। उसे पता चला कि आठवें पुत्र ने जन्म लिया है, वो तुरंत वहां पर आया और आकर के देवकी से उस पुत्र को, वो पुत्री को छीन लिया। तो देवकी बेचारी कह रही थी कि अरे ये तो एक पुत्री है भैया, तुम्हें डर तो मेरे पुत्र से था, तो इसे छोड़ दो। वो बोल रही थी कि भागवतम स्टेटमेंट आता है कि देवकी बता रही थी कि तुमने ऑलरेडी मेरे 7 पुत्रों को मार दिया है, अब ये 8वां पुत्र मुझे एक गिफ्ट के जैसे दे दो, ये 8वीं पुत्री मुझे एक गिफ्ट के जैसे दे दो। तो शिल प्रपाद ये स्टेटमेंट्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं, वो बताते हैं कि देवकी के बोलने के पीछे बहुत तरह के मतलब भाव छिपे हैं। देखिए देवकी एक छत्राणी है, और क्षत्रिय या छत्राणी दोनों को ये पॉलिटिकल गेम और डिप्लोमेसी कैसे खेलते हैं ये उन्हें अच्छे से पता होता है। क्षत्रिय के गुण होते हैं कि उन्हें पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में बहुत इंटरेस्ट भी रहता है, और उन्हें ये खेल कैसे खेलते हैं उन्हें आता भी है। तो देवकी भी एक छत्राणी है, तो बोल रही है, पहले तो वो कंस को दिखा रही है कि तुमने ऑलरेडी इतनी एट्रोसिटीज हमारे ऊपर की हैं, पहले तो मेरे ऑलरेडी इतने पुत्रों को तुमने मार दिया, और अब तो ये 8वां पुत्र पुत्री हुई है, पुत्र हुआ भी नहीं है, तो भविष्यवाणी हो सकता है कि गलत हो, और इसे कम से कम मुझे मेरे गिफ्ट के जैसे दे दो। फिर वो बोल रही है कि देखो मैं बहुत दीन औरत हूँ, मेरे ऊपर थोड़ी सी दया कर दो। तो वो दोनों बात बोल रही है कि तुम देखो कितने एट्रोशियस हो कि तुमने मेरे इतने सारे पुत्रों को मारा, लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूँ, ये 8वें पुत्र को एक गिफ्ट के जैसा दे दो। तो साम दाम दंड भेद हर तरह का तरीका लगा करके कैसे अपोजिट पार्टी को कन्विंस किया जाए, ये क्षत्रियों का क्वालिटीज होता है। तो छत्राणी होने के नाते देवकी को भी उसके अंदर भी क्वालिटीज थी। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि बाद में जब सूर्य ग्रहण हुआ था और कुरुक्षेत्र में जब ब्रजवासी और द्वारकावासी मिले थे, तो कृष्ण और बलराम भी वहाँ पर उस समय द्वारका में थे, तो वो लोग भी वहाँ पर द्वारकावासियों के साथ आए थे। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं, क्योंकि ब्रजवासी देखिए उनके अंदर पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी नहीं है, वो एकदम सिंपल पीपल हैं, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड वो रहते हैं। लेकिन जो द्वारकावासी हैं या मथुरावासी हैं उनके अंदर थोड़ा डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स है। तो डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स हमेशा बुरा नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं शुद्ध भक्तों में भी है, यहाँ पे वृंदावन में तो एकदम नहीं है, लेकिन द्वारका मथुरा में वहाँ के भक्तों को डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स आता है और वो उसका यूज भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब वो कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी और ये द्वारकावासी जब मिल रहे थे, तो उस समय चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कभी होता है तो लोग जा करके तीर्थों में स्नान करते हैं ताकि उनके सारे पाप धुल जाए, लेकिन ब्रजवासियों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कुरुक्षेत्र क्यों पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कृष्ण बलराम भी द्वारका से सारे द्वारकावासियों के साथ यहाँ पर आएंगे, और वो डिसाइड करके आए थे कि यहाँ से कुरुक्षेत्र से हम कृष्ण और बलराम को लेकर के वापस वृंदावन जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो चुका था कृष्ण बलराम के गए हुए, और अगर नहीं लेके जा पाए तो हम वापस नहीं वृंदावन जाएंगे, यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे। तो ये सोच करके सारे ब्रजवासी आए थे, तो वहां पे कई दिनों तक ब्रजवासी और द्वारकावासी एक साथ रहे। तो रोज सारे ब्रजवासी आकर के नंद महाराज को बोलते थे कि जाइए आज वसुदेव से आप बात करिए और वसुदेव को बोलिए कि वो कृष्ण बलराम को वापस भेज दे। तो नंद महाराज को पूरा इंस्पायर करके ब्रजवासी भेजते थे कि हाँ आज तो मैं मांग लूंगा, और वो जाते थे वसुदेव के टेंट में और घुसते थे, और वसुदेव का चेहरा देख करके उन्हें लगता था कि मैं बोलूंगा कि कृष्ण बलराम को हमारे साथ वापस वृंदावन भेज दीजिए, तो वसुदेव को कितना दुख होगा, और यही सोच करके बोल ही नहीं पाते थे, वापस आ जाते थे। और ब्रजवासी आके पूछते थे आपने बोला कृष्ण बलराम को वापस आने के लिए बोला, बोला कि आज नहीं बोल पाया, मैं कल जाऊंगा तो फिर से बोलूंगा। तो अगले दिन फिर से ब्रजवासी पूरा वसुदेव को इंस्पायर करके कि आज तो जाके आपको मांगना ही पड़ेगा कि कृष्ण और बलराम को हमारे साथ वापस वृंदावन भेजिए। तो फिर से कुरुक्षेत्र में वहां पर वसुदेव के टेंट में एंटर करते थे,
और फिर से वही सेम वसुदेव का दुख ना हो इसको ध्यान में रख के वो बोल ही नहीं पाते थे। इस तरह से दिन बीते जा रहे थे। आखिरी दिन आ गया। आखिरी दिन आने के बाद अब तो ब्रजवासी बोले, अगर आज आप नहीं मांगे तो आपको तो पता है हम ये डिसाइड करके आए हैं, आइदर यहाँ से हम कृष्ण बलराम को लेकर के वापस जाएंगे वृंदावन, या फिर यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे। तो अगर आज आपने नहीं मांगा तो हम सबके मौत के जिम्मेदार आप होंगे, अब आप डिसाइड कर लीजिए, आप वसुदेव को दुख देना चाहते हैं या फिर हम सबकी मौत चाहते हैं, आप डिसाइड कर लीजिए। तो इस बार पूरा हिम्मत करके नंद महाराज फिर से वसुदेव के टेंट में घुसते हैं, और घुसने के बाद फिर बोलते हैं कि किसी तरह हिम्मत करके ये बात बता देते हैं कि देखिए वसुदेव जी, हम यहाँ पर कोई भी ग्रहण का जो पुण्य मिलता है उसके लिए तीर्थों में स्नान करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हम यहाँ पर कृष्ण और बलराम को अपने साथ वापस वृंदावन ले जाने के लिए आए हैं, आप हमें कृष्ण बलराम को दे दीजिए, नहीं तो हम यहीं पे अपने हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, यहीं पे अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो वसुदेव जी ने यह सुना तो देखिए नंद महाराज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, ब्रजवासी सारे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन क्षत्रियों में ये पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के गुण होते हैं। तो वसुदेव जी ने जब ऐसा सुना तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, लेकिन फिर भी ये जो क्षत्रिय होते हैं उन्हें अपना कंपोजर मेंटेन करने आता है, तो उन्होंने बहुत कूल तरीके से बोला कि हाँ आप जरूर लेके जा सकते हैं, लेकिन कृष्ण बलराम को हम द्वारका से लेकर के आए हैं, अब यहाँ से हम उन्हें लेकर के वापस द्वारका नहीं जाएंगे, खफा हो जाएंगे, बोलेंगे कि अरे आप कृष्ण बलराम को लेकर और उन्हें वापस क्यों नहीं लेकर के आए, कहाँ छोड़ के आ गए आप लोग, तो हम उन्हें फेस नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करिए, आप जाइए, आप लोग वापस ब्रजवासी, आप लोग वृंदावन ब्रज में चले जाइए, कृष्ण बलराम को हम यहाँ से वापस द्वारका लेकर के जाएंगे और वहां से फिर हम उनको वृंदावन जरूर भेज देंगे, आप चिंता मत करिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखता है कि देखिए दोनों ही शुद्ध भक्त हैं, वसुदेव भी शुद्ध भक्त हैं और नंद महाराज भी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स कि कैसे कहाँ पे बोलना है ये थोड़ा बहुत सब उनको क्षत्रिय भक्तों में थोड़ा ये गुण होते हैं, वो थोड़ा ये चीजें जानते हैं कैसे बात बना करके बोला जाए, और जो सिंपल भक्त होते हैं वृंदावन वासी वो ये चीज नहीं जानते हैं, तो वसुदेव ने कैसे बात को घुमा दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कृष्ण बलराम उसी समय जब वो इतने दिनों के बाद यशोदा मैया से मिले थे, तो कृष्ण बलराम यशोदा मैया के मतलब उनके उनकी गोद में अपने सर को रखे हुए थे और यशोदा मैया कृष्ण और बलराम के बालों को सहला रही थी और यशोदा मैया के आंखों से एकदम आंसू निकल रहे थे क्योंकि उन्होंने कृष्ण बलराम को इतने दिनों के बाद कुरुक्षेत्र में देखा था और कृष्ण बलराम भी यशोदा मैया को पकड़ के रो रहे थे। तो ये सीन जब देवकी और रोहिणी ने देखा तो उन्हें उनकी फिर से बत्ती जल गई, उन्हें लगा कि अरे बापरे ये तो दोनों के बीच में और इतना मतलब प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, अरे ज्यादा दिन हुआ तो कृष्ण बलराम तो पक्का वृंदावन चले जाएंगे हमें छोड़ करके। तो वो आकर के यशोदा मैया को बोल रही हैं कि यशोदा तुम वास्तव में एक बहुत महान स्त्री हो कि तुमने दूसरे के पुत्र को ऐसे पाला जैसे कि खुद तुम्हारे ही पुत्र हो। तो देखिए बोलने का भाव क्या है, देखने से उन्हें लग रहा है कि यशोदा मैया की तारीफ कर रही है, लेकिन उन्हें याद दिला रही है कि अरे वास्तव में कृष्ण बलराम तुम्हारे पुत्र नहीं थे, ये किसके पुत्र हैं, ये हमारे पुत्र हैं। तो ये देखिए इवन क्षत्रियों में या क्षत्रानियों में ये गुण रहता है कि उन्हें बोलने की ये कला आती है कि किस प्रकार मैनिपुलेट करके मैनेज करके बोला जाए, और भगवान के दोनों ही शुद्ध भक्त हैं और भगवान को दोनों ही भक्त पसंद हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग भक्तों का थोड़ा अलग अलग नेचर ऐसा होता है, लेकिन कृष्ण बलराम और यशोदा मैया एक दूसरे में इतने पूरे तरह से अब्सॉर्ब थे कि वो सुन ही नहीं रहे थे। तो देवकी रोहिणी को लगा कि अरे ये तो नहीं सुनेंगे, वो फिर वहां से थोड़ा देर खड़े होकर वो लोग वापस चली गई। तो ये नेचर होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे शिल रूपात बोलते हैं कि देवकी को जब वो ऐसे बोल रही है कि भैया तुमने पहले ही मेरे इतने सारे पुत्रों को मार दिया है,
अब ये आठवीं तो ये पुत्री है, इसे तो छोड़ दो, इसे तो मुझे गिफ्ट में दे दो, मैं एक बहुत ही पुअर गरीब एक दीन स्त्री हूँ। वास्तव में दीन तो नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अरे अभी अभी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भगवान श्री कृष्ण खुद उसके गर्भ से जन्म लिए हैं, वो भगवान की माँ है, तो दीन कैसे हो सकती है। लेकिन इस प्रकार कंस को बोल रही है। तो यहाँ पे श्री रूपा जी हमें यह भी बताते हैं कि देवकी को तो पता है कि ये पुत्री नहीं है, उसे तो पता है कि मेरा पुत्र तो चला गया ब्रज में, वो सुरक्षित है, लेकिन फिर भी उसके हृदय का ये करुणा का भाव है कि वो दूसरे की पुत्री को, उसे पता है ये यशोदा की पुत्री है लेकिन उसकी भी रक्षा करनी चाहती है। तो शुद्ध भक्त देखिए उनका इतना सेल्फलेसनेस होता है कि वो सिर्फ अपने पुत्र के बारे में कि मेरा पुत्र सुरक्षित है बस इतना ही नहीं सोच रही, वो ये सोच रही है कि अरे ये यशोदा की पुत्री है तो मुझे इसकी भी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन कंस बिल्कुल ये सारी बातों को सुनता नहीं है, तुरंत वो आकर के उस पुत्री को उठा लेता है, क्योंकि उसे पता था कि अरे विष्णु बहुत ही चालाक है, वो पुत्र के रूप में पुत्री के रूप में किसी भी रूप में आ सकता है, मुझे कोई चांस नहीं लेना चाहिए। तो पुत्री को उठाया और उठा करके उसे घुमा करके एक पत्थर पे ऐसे पटकने वाला था, लेकिन वो पुत्री हम जानते हैं कौन थी, महामाया दुर्गा देवी थी, तो वो उसके हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और वहां पे वापस दुर्गा जी के रूप में प्रकट हो गई। और प्रकट हो जाने के बाद वहां पे बोलती हैं कि कंस तुम मूर्ख हो, मुझे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है, तुम्हारी मृत्यु बहुत ही करीब है। तो इस प्रकार से दुर्गा जी कंस को डांटती हैं। अब देखिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट है दुर्गा जी का कंस को डांटना, क्योंकि कंस जो था वो शिव जी और पार्वती जी यानी वही दुर्गा जी हैं, तो उनका बहुत महान भक्त था दुर्गा जी, वो पार्वती जी ही मतलब महामाया है, वही दुर्गा जी के रूप में आती हैं। तो वो जो कंस था वो बहुत महान भक्त था, उससे जितनी शक्तियां थी वो शिव और पार्वती की पूजा करके ही मिली थी, और बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था। हम जितने स्ट्रिक्टनेस के साथ हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करते हैं उससे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ वो भगवान शिव जी और पार्वती जी का आराधना करता था। उसके राजमहल के सामने मतलब यज्ञ कुंड थे, बहुत तरह का पूजा का मंदिर बने थे, जहां पे लगातार 3 बार तो वो खुद जाता था, फिर ब्राह्मण पूजा करते रहते थे, लगातार शिव और पार्वती जी क्या वो लगातार पूजा करते रहता था। तो उसे आश्चर्य हुआ कि अरे जिन शिव और पार्वती जी का मैं पूजा करता हूँ वही महामाया वही दुर्गा देवी आज मेरे सामने प्रकट होकर के मुझे ही डांट रही है और मुझे ही बोल रही है कि तुम मूर्ख हो कंस, तुम्हारा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। तो इट वॉज लाइक अ बिग शॉक, आप इमेजिन कर सकते हैं, उसका उसने सारी शक्तियां यही भगवान महादेव और महामाया से प्राप्त किया, इतना महान भक्त उनका, और आज वही उसकी जो इतनी वर्शिपेबल देवी हैं जिनका कि हमेशा से पूजा करते आया है वही उसके सामने प्रकट होकर के उसी को बोल रही है कि तुम मूर्ख हो और तुम्हारा काल जन्म ले चुका है। तो उसे बहुत सारी चीजों का आश्चर्य हुआ। पहला तो उसे समझ में आया कि अरे अगर महामाया दुर्गा देवी जिस स्त्री से जन्म ले सकती हैं तो वास्तव में स्त्री सामान्य नहीं होगी। उसे समझ में आ रहा है कि अरे देवकी कोई मामूली औरत नहीं हो सकती, क्योंकि अरे मेरी वर्शिपेबल जो देवी है वो जन्मली है। तो ये भी उसे समझ में आ रहा है। तो उसे इस बात का भय भी हो रहा है कि अरे बाप रे, तो सब याद आ रहा है मैंने इसके साथ कितना अत्याचार किया है और इससे मेरी अगर जो वर्शिपेबल देवी है महामाया देवी अगर वो खफा हो गई तो अरे मेरे ऊपर क्या कहर बरपेगा। तो वो डरा भी हुआ है और देवकी के लिए अब धीरे धीरे कुछ रेस्पेक्ट भी उसके मन में आ रहा है, देवकी और वसुदेव दोनों के लिए, कि अरे ये मामूली लोग हो नहीं सकते क्योंकि महामाया इनके इनके रूप में जन्म ली है। और जब वो महामाया खुद बोल रही है कि अरे तुम इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो, तो उसे समझ में आ रहा है कि अरे मुझे इनकी बात माननी चाहिए। तो ये सब कुछ सुन करके ये इवेंट देखने के बाद जब महामाया जी आकाश में उड़ करके गायब हो गई
तो कम्स पूरा एकदम हम्बल और सोबर हो गया, वो पूरे उसकी आंखें जैसे समझ ले खुल गई। उस समय कम्स जो भागवतम में सारी बातें बोलता है वो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कोई शुद्ध भक्त बोल रहा है। तो कम्स और देवकी से वो सॉरी ये देवकी और वसुदेव से वो माफी मांगने लगा। वो कम्स बोल रहा है कि आप लोग को बुरा नहीं मानना चाहिए, देखिए वास्तव में हर व्यक्ति को अपने अपने कर्म का ही नतीजा भोगना पड़ता है, और जो व्यक्ति उन्हें दुख देता है वो वास्तव में तो एक निमित्त मात्र है, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू उसे अपने ही कर्म के फल मिल रहे हैं। तो फिलॉसफी सही बता रहा है, वास्तव में हम अपने कर्मों के फल भोगते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आकर के हमें दुख देता है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो ये बता रहा है कि आपके ऊपर जो भी अत्याचार हुए वो मतलब ये कहना चाहता है इनडायरेक्टली कि मुझे उसका दोष मत दीजिए, वो तो सब कोई अपने अपने कर्म फल भोगते हैं, और मैंने आपको इतना अत्याचार किया है तो मुझे तो पता नहीं मैं कौन से नरक में जाने वाला हूँ। पूरा मतलब एकदम फुल एकदम लग रहा है कि एकदम अभी सरल उसका हृदय बदल गया, इस प्रकार से बात कर रहा है वो। और उसके बाद फिर वो बोल रहा है कि उनको रिलीज भी कर दिया सारी चीज, मतलब ये सारी इस तरह से माफी मांग करके, और फिर उनको ये भी वो उनके पुत्रों के बारे में बता रहा है कि अरे वो आपके जो पुत्र मारे गए वो भी अपने कर्म फल के कारण ही मारे गए, तो आप मेरे ऊपर कृपया उसका दोषारोपण मत करिए। तो सारी बात बोल रहा है, फिर उन्हें उनके पैरों पर गिर करके माफी मांग करके उनको रिलीज कर दिया, और वसुदेव देवकी को बोला कि आप वापस अपने महल में जाकर के रह सकते हैं, अभी से आप फ्री हैं। तो देखिए ऐसी कंडीशन हो गई थी, तो देखने से लग रहा है कि हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया पूरी तरह से, क्योंकि खुद मतलब कैन यू इमेजिन क्या शॉक, जबरदस्त शॉक लगा उसे कि जिस देवी का वो जीवन भर पूजा करके आए वही देवी आकर के उसे डांट रही है, और उसे समझ में आया कि मेरी देवी अगर देवकी से जन्म ली है तो फिर देवकी तो कुछ तो है, मामूली औरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कुछ समय बाद ही जो उसके दानव मंत्री हैं वो भी असुर हैं, उनकी भी असुरिक मेंटालिटी है, वो आकर के कम्स को फिर से कन्विंस करते हैं, और वो दोबारा कन्विंस हो जाता है और देवकी और वसुदेव को दोबारा फिर से जेल में वापस डाल देता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये असुरिक मेंटालिटी है, असुरों के साथ ऐसा होता है। महामाया जो कि मटेरियल नेचर भौतिक प्रकृति को रिप्रेजेंट करती है, तो भौतिक प्रकृति असुरों को कितने बार हरा देती है, और हारने के बाद असुर हम्बल हो जाते हैं। आज के जमाने में भी हम देखते हैं जब जीवन में बहुत कठिनाइयां आती हैं, भौतिक प्रकृति अपने त्रितापों से मारती है, तो लोग एकदम हम्बल हो जाते हैं और लगता है कि आप तो भक्त बन ही गए, आप तो हृदय में परिवर्तन आ ही गया, लेकिन वो ज्यादा देर टिकता नहीं, ये आसुरिक मेंटालिटी है। थोड़े देर रहता है और थोड़े देर रहने के बाद फिर वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं, और वसुदेव जी ये बात पूरी तरह से जानते थे कि आसुरिक मेंटालिटी यहाँ पे कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो कि जिनके मन और इंद्रियाएं उनके वश में एकदम है ही नहीं, तो वो क्लियरली असुर के कैटेगरी में आ सकते हैं। वश में तो करना उतना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम जो एंडेवर भी नहीं कर रहे हैं अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में करने का, तो क्लियरली वो आसुरिक कैटेगरी में आते हैं, और उनके साथ यही चीज होता है कि जब वो हार जाते हैं भौतिक प्रकृति से बुरी तरह, तो लगता है कि अभी सही रास्ते पे आ गए, लेकिन ज्यादा देर नहीं वो वापस आ जाते हैं। और वसुदेव जी एकदम ये जानते थे क्योंकि इस व्यक्ति की मन और इंद्रियाएं इसके वश में नहीं है, तो ये चाहे जो भी बोले चाहे जो भी करे इसके ऊपर भरोसा करने लायक ही नहीं है, एकदम उनको क्लियर पता था ये बात। और वही हम देखते हैं भविष्य में होता भी है, उनके मिनिस्टर्स ने थोड़ा सा कन्विंस किया तो कम्स ने फिर वापस देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया, और फिर से सारे बालकों को मारने के लिए पूतना उतना भेजना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार आसुरिक मेंटालिटी होती है। तो आज भी हम ये देख सकते हैं, ये आपको भी नोट कर लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति के मन और इंद्रियाएं वश में नहीं है उस पर्सन के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर सकते। ये हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है, अगर हमारी खुद की भी मन और इंद्रिया हमारे काबू में नहीं है तो आप अपने ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते कि आप
कुछ एक पर्टिकुलर चीज करेंगे। तो एक्चुअली प्रभुपाद तो ये क्लियरली बताते थे कि भक्ति करने का सबसे पहला प्री रिक्विजिट है कि आपकी मन और इंद्रियाएं आपके काबू में आनी चाहिए। तो काबू में आना इतना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम पूरी तरह से नहीं तो 10%, 20%, 30% कुछ तो जितना है उतना होना चाहिए। और हमें एंडेवर करना चाहिए कि मन और इंद्रियों को हम जितना काबू में कर पाए कर सकें। और काबू करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगा दें। तो इस प्रकार से मन और इंद्रियां काबू में आ जाती हैं। लेकिन जिसकी मन और इंद्रियां काबू में नहीं है उनके ऊपर हम कोई भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और वो खुद अपने ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते कि वो कब क्या कर देंगे। इसलिए मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कंट्रोल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? भगवान की सेवा में उन्हें लगाना। तो देखिए प्रभुपाद अपने भागवतम के पर्पट्स में एक जगह ये बताते हैं कि एक भक्त के मन और इंद्रियां कैसे काबू में आ जाती हैं, क्योंकि भक्त के मन में इतने सारे प्लान्स होते हैं कि भगवान के लिए ये सेवा करना है, ये सेवा करना है, ये सेवा करना है। उसके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि इस तरीके से करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो उसका पूरा इंटेलिजेंस, उसके पूरे सेंसेस, पूरा मन वो भरा हुआ है उन भगवान की सेवा करने के प्लान से। तो कोई मटेरियल प्लान के लिए जगह ही नहीं है। जैसे कि उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि हाई टाइड के समय समुद्र कभी कभी नदियों को भर देता है। जो नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं और समुद्र में हाई टाइड आया तो समुद्र का पूरा पानी नदियों में आके भर जाता है। तो उस समय जो समुद्र की लहरें हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं और नदी की लहरें जो होती हैं वो उतनी प्रोमिनेंटली दिखती नहीं है। तो समुद्र का जो खारा पानी है वो प्रोमिनेंट हो जाता है नदी में और नदी का जो खुद का पानी है वो उतना समझ में नहीं आता। लगता है कि वो नदी समुद्र ही बन गई है, ऐसा हाई टाइड में होता है। तो उसी प्रकार जब हमारा मन पूरी तरह से इंगेज्ड है किस चीज में, कि भगवान की सेवा के बहुत सारे प्लान्स में, तो हमारा मन फिर मटेरियलिस्टिक प्लान मेकिंग बिजनेस में इंगेज नहीं होगा। और जो त्योहार आते हैं ये बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का, क्योंकि जब फेस्टिवल आते हैं तो हमें कितना सारा अरेंजमेंट करना होता है, मंदिर की सफाई करनी होती है, मंदिर को डेकोरेट करना होता है, भगवान के लिए नए वस्त्र बनाने होते हैं, नई ज्वेलरी बनानी होती है, पूरा ऑल्टर डेकोरेशन करना होता है, मेबी फेस्टिवल कर रहे हैं तो इनविटेशन सेंड करना होता है, अभिषेक की तैयारी करनी होती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, स्पेशल फीस्ट बनता है उस दिन तो कुकिंग करना होता है, मेन्यू तैयार करना पड़ता है ना, तो इतना सारा चीज करना पड़ता है उस दिन। तो इससे क्या है कि पूरी तरह से हमारी मन और इंद्रियां हैं पूरी तरह से इंगेज हो गए भगवान की सेवा में। तो कम से कम जन्माष्टमी के दिन तो अगर इस तरह से हम इंगेज हैं तो ये चांस नहीं है कि हमारे मन और इंद्रियां भोग की तरफ जाएंगी, क्योंकि पूरी तरह से हमने उसे इंगेज कर दिया। तो वास्तव में रोज का दिन एक त्योहार होना चाहिए, रोज का दिन हमारा ऐसा होना चाहिए कि इस तरह से हम पूरी तरह से इंगेज हैं कि हमें, हमारे पास समय ही नहीं है कुछ और भोगों के बारे में सोचने का। लेकिन लो रोज त्योहार मनाने लगेंगे तो हमारा बैंड बज जाएगा, हम कर ही नहीं पाएंगे, उसको कर ही नहीं पाएंगे। वास्तव में शुद्ध भक्त रोज त्योहार मनाते हैं उनका, क्योंकि रोज उनको इसी तरह से वो इंगेज रहते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी कहते भी थे कि अगर आप लोग चाहें तो मैं रोज आपको एक त्योहार दे सकता हूँ, वैष्णवों के इतने सारे त्योहार होते हैं लेकिन आप लोग ले ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए रोज तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कम से कम जन्माष्टमी के दिन हमें ट्राई करना चाहिए कि इतनी इस तरह से पूरी तरह इंगेज होना चाहिए कि कम से कम उस दिन माया को आने के लिए एक इंच का भी स्पेस नहीं मिले। तो ठीक है, आज का हमारा समय ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं, तो बाकी डिस्कशन फिर हम लोग कल अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच शिला प्रभुपाद की।